नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल ग्रीनक्स में। दोस्तों, प्लांट्स तो हम सभी लगाते हैं और देखरेख भी करते हैं, लेकिन कभी कभी प्लांट हमारा जब डेवलप करता है, ग्रो करता है, तो हमें अच्छा भी लगता है, मगर जब वो डेड होने लगता है तो हम उसको फिर जो है मरते हुए देखते रहते हैं कि इसको कैसे बचाएं और क्या करें जतन कि ये किस उपाय से, किस ट्रिक से सही हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। जी हाँ, आपके प्लांट्स जब डेड हो रहा हो तो आपको किस तरह सही करना है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। देखिए, ये है फाइकस पांडा का प्लांट। मैंने इसको जो है स्टेम कटिंग के थ्रू लगाया था और ये करीब 3 साल पुराना प्लांट है। ये इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है, इसकी रूट एकदम बाउंड हो गई है और ये धीरे धीरे डेड होने लगा था। ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है ये। और ये इस स्प्रिंजा टाइम में, मार्च के महीने में, मैं इस प्लांट को पूरा निकाला। इसके पूरे रूट बाउंड, ये जो रूट बॉल है, ये देखिए ठंसी हुई एकदम मिट्टी। तो इसको आपको यही करना है कि धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको, पहली बात तो जब प्लांट एकदम ठंस जाता है तो पॉट से जल्दी निकलता नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि पॉट से थोड़ी बड़ी बाल्टी या कोई डिब्बा हो बड़ा, उसमें आपको पूरा पॉट डुबो देना है पानी में 4 से 5 घंटा। उसके बाद जब वो डूब जाए, भीग जाए, तो उसके बाद फिर आप उसको जो है अपने पॉट में बड़ी खुरपी के जरिए चारों तरफ से धीरे धीरे मिट्टी में इन करिए, उसके बाद निकाल लीजिए। और जब फिर उसको रख देंगे 2 घंटा, जब मिट्टी उसकी सूख जाएगी, फिर उसको आपको इस तरह से धीरे धीरे आपको ठोक ठोक करके किसी भी टूल की मदद से आपको इसकी मिट्टी निकाल लेनी है, करीब 60%। जी हाँ, 60% मिट्टी आपको निकाल लेनी है। और ये जो रूट है, ये मत सोचिए आपकी रूट कट जाएगी तो पेड़ डेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रूट के बढ़ जाने की वजह से ही प्लांट डेड हो रहा है। तो हमें प्लांट को बचाना है, ना कि रूट को। तो आप निश्चित हो करके, टेंशन फ्री हो करके आप प्लांट के रूट को काट दीजिए। जी हाँ, करीब 60%। देखिए इस तरह से कितनी बड़ी बड़ी रूट है, मैं इसको काट दे रहा हूँ। और आप कोताही मत करिए, ज़रा भी संकोच मत करिए, निश्चिंत होकर के काटिए, प्लांट को कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी रूट मैंने निकाल दी है। तो यही थ्योरी आपको किसी भी प्लांट में लगानी है। जी हाँ, आपका कोई भी प्लांट हो, रूट बाउंड हो गया है, अब प्लांट डेड हो रहा है, तो आपको यही करना है। पहले तो आपको पॉट को पानी में डिप करना है, बड़े पॉट में, किसी बाल्टी में, बकेट में। उसके बाद उसको निकाल लेना है पॉट की अंदर से, ये रूट बॉल प्लस प्लांट। फिर इसको आपको धीरे धीरे पुश करके मिट्टी निकालना है और आपको फिर रूट को काटना है। यही थ्योरी आपको अपनाना है दोस्तों। और धीरे धीरे आप किसी सूजे की मदद से या पॉइंटेड कोई भी चीज़ हो, उससे आप मिट्टी निकाल लीजिए रूट के अंदर फंसी हुई। 60% आपको रूट निकाल लेनी काट करके, 40% रूट लगी रहने देना है। और यही विधि है। और थोड़ी सी मिट्टी आप उसमें लगी रहने दीजिए, पूरी मिट्टी मत साफ करिए। जी हाँ, देखिए। और आपको जो सॉइल बनाना है, पोटिंग मिक्स, उसमें आप 40% रखिए सॉइल, आपके क्षेत्र की जो भी हो सॉइल हो, 40% आपको कंपोस्ट डालना है और 10% आपको सूखी पत्तियां अपने गार्डन की, ये देखिए मैंने इसमें छिलका वगैरह, केला वगैरह सब डाल दिया है, और 10% आपको जो है, जी हाँ, रिवर्स एंड। इस तरह से आपकी सॉइल मिक्स बन के तैयार हो जाएगी। जब रिपोर्टिंग मिक्स, आपको उसको फिर जो है अपने पॉट में भर देना है और पॉट को करीब 30% भरिए। उसके बाद आपको ये रूट बॉल प्लस प्लांट आपको जो है उसको इन करिए। जी हाँ, और फिर सेंटर में रखने के बाद आपको धीरे धीरे मिट्टी को आपको पूरी उसमें जो है रिपोर्टिंग करनी है, पूरी मिट्टी डालनी उसमें धीरे धीरे करके, और मिट्टी नीचे तक चली जाए उसके लिए आपको पॉट को पकड़ के धीरे धीरे हिला दीजिए, जिससे मिट्टियाँ धीरे धीरे नीचे पूरी बैठ जाए सॉइल आपकी। अच्छे तरह से मिलाने के बाद आपको, जी हाँ दोस्तों,
धीरे धीरे इन कर दीजिए, मिट्टी अंदर जाए, उसके बाद पॉट को भी हिला दीजिए, मिट्टी पूरी तरह से अंदर हो जाएगी इस तरह से दोस्तों। और टेंशन ना लीजिए, प्लांट आपका बच जाएगा, कोई भी प्लांट हो आपका, और यही क्रिया आपको करनी है। बहुत ही बढ़िया टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। नहीं, अगर आप ये क्रिया नहीं करेंगे तो प्लांट आपका धीरे 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 रूट बढ़ती जाएगी और प्लांट आपका उसी में जो है डेड हो जाएगा। तो आप जब देख लीजिए कि रूट बाहर निकलने लगी है ड्रेनेज होल से, तो ये करना ज़रूरी है, जी हाँ। और इसके बाद फिर आपको इस प्लांट को पानी दे के किसी शेड एरिया में रख देना है। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, प्लांट को सेंटर में रखिए, इससे ये फ़ायदा होता है कि चारों तरफ के रूट को बराबर स्पेस मिलती है पॉट में घूमने की, और करीब 1 इंच में आप जगह छोड़ दीजिए, बाकी पूरा उसमें आपको भर देना है सॉयल अपना पॉट में। दोस्तों, प्लांट लगाते रहें आप, बच्चों को भी मोटिवेट करते रहें, क्योंकि पृथ्वी पे ऑक्सीजन कम हो रहा है। और ये देखिए, इस तरह से पानी आपको डाल देना है थोड़ा सा पहले, कि मिट्टी और बैठ जाए और ऑक्सीजन रहेगी, तभी हमारा और आपका जीवन आगे चल सकेगा। दोस्तों, कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अब अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए, और इस प्लांट को आप मिट्टी देने के बाद धीरे से शेड एरिया में रख दीजिए 4 से 6 दिन, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट सनलाइन में रख दीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने रख दिया हूँ, आप भी इस तरह से शेड एरिया में रख दीजिए जहाँ पे धूप डायरेक्ट ना पड़े, फिर 4-6 दिन बाद उसको निकाल दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।